हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, मैं आकाश हूँ। आप देख रहे हो निगम फ्रेंड्स यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा आज के मेरे टास्क के बारे में। तो आज का टास्क मुझे सडनली ही मिल गया। कल रात में मैं आराम से सोया था 12 बजे, और आराम से सो के कोई दिक्कत नहीं थी, हम सोचे थे आराम से उठेंगे हमेशा के लिए, क्योंकि आज का कोई मेरा टास्क नहीं था। आज मैं सोचा था कि दीपक को बुला के, आज देव दिवाली है 7 तारीख होने की वजह से, तो आज देव दिवाली को मैं सोचा था कि करीब 11-12 बजे मैं चलूँगा बनारस, और उसके बाद वहाँ की ब्लॉग करूँगा, फिर शाम में जाऊँगा रात में जो रात का सीन होता है उसको भी ब्लॉग में दिखाऊँगा। पर सडनली मेरे साथ क्या हुआ कि मुझे 6:22 पे आता है करण बैग ऑफ ऑल, और वो कहते हैं कि तुम्हारे पास वाइट शर्ट, ब्लैक पैंट और ब्लैक शूज़ है। तो मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, तुम 7 बजे तक पड़ाव पे आ सकते हो, जो कि मेरे घर से 4 किलोमीटर है। तो मैंने कहा हाँ। तो मैं तुरंत ही उठा और तुरंत रेडी हो गया। रेडी देखिए, ब्लैक शूज़, ब्लैक पैंट एंड वाइट शर्ट पहन के मैं रेडी हो गया। फिर उसके बाद मैं तुरंत निकलने के लिए तैयार हो गया। मैं करीब 6:40 पर रेडी हो गया था और सोचा कि निकल जाऊंगा। पर क्या हुआ कि जैसे ही मैं निकला तो एक बार मैंने सोचा कि एक बार कंफर्मेशन कॉल कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमें 7:30 बजे तक जाना है ताज होटल के पास, वहाँ पे कुछ हमारा इवेंट है तो उस इवेंट को करना है। तो मैंने कहा ठीक है मैं आ रहा हूँ। तो मैं कह रहे कि आ रहे हो, कह रहे कि आ रहे हो। मैंने कहा हाँ। तो कहें कि कितने देर में पहुँच जाओगे। तो मैंने कहा कि पड़ाव 4 किलोमीटर है तो 7-8 मिनट लगेगा, हम आराम से पहुँच जाएंगे। फिर ऐसा है ना कि अभी हम नहाए नहीं है, हम नहा लेते हैं उसके बाद तुमको फ़ोन करेंगे, तो फिर तुम आना। तो अभी बज रहे हैं 6:55, मतलब करीब करीब 7 बजने वाले हैं। तो अब 7 बजे हम निकल जाते हैं यहाँ से, घर से, क्योंकि अब क्या पता उनको तैयार होने में तो ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, वो तो तैयार हो जाएंगे जल्दी ही, तो हम भी निकल जाते हैं। निकल जाया जाए लूसी को बाय करके। आज कार्तिक पूर्णिमा होने की वजह से भी मम्मी नहीं है, मम्मी भी चली गई, तो सामान सारा अस्त व्यस्त था। तो अभी मेरा रूम भी अस्त व्यस्त हो गया है, तो अब मम्मी आएंगी तभी होगा, नहीं तो दीदी आए उठेगी तब करेगी। बाकी बाबू कच्चा बादाम रखा हुआ है, बाकी हम चलते हैं। लूसी जा रहे हैं सुबह सुबह हम, आप लूसी को खिला ले रहे तो लूसी भी दुष्ट बन जाती है। लूसी किसी को भोंके हो कि नहीं? बाहर कोई नहीं है ना भोंकने, ये चिड़िया को भोंक दो। चिड़िया 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 देखो चिड़िया लूसी का देखिए सुबह हो गया है, तो सुबह सुबह खेलेगी तो इसको खिला उला के हम निकलते हैं कि रोड की ओर, नहीं तो फिर अभी वो जाने का टाइम होने लगेगा तो कहेंगे लेट हो रहा है, क्योंकि हम उनसे 4 किलोमीटर डिस्टेंस पे रहते हैं। तो निकलते हैं और लूसी कहते हैं बाय बाय। लूसी बाय बाय। दुष्ट लूसी। कल जब वीडियो बनाए थे तो ये बिल्डिंग साफ नहीं दिखा होगा, आज ही दिख रहा होगा। आरोग्यम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, जो कि ये बिल्डिंग में आप देख सकते हो। तो अभी आप अपने घर के बाहर ही आ गए हैं और चौराहे पे नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ से भी ऑटो मिल जाएगी पड़ाव की, तो पड़ाव की ऑटो ले लेते हैं। ठीक ठाक ही लग रहे हैं, सुबह सुबह ऐसा चेहरा हो जाता है। पड़ाव पड़ाव मैं तो पड़ाव चौराहे में पहुंच गया बहुत जल्दी, मतलब 7 मिनट में ही। तो कुल अभी 7:10 हो रहा है और मैं पड़ाव चौराहे पे हूँ। मुझे जहाँ तक याद है मनीष का घर जो है उस साइड पे है, जहाँ से पुल जाता है मदन मोहन मालवीय पुल, तो वहाँ पर है। तो उधर तक तो हम चले जाते हैं, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि बहुत पहले मैं गया था और करण भाई मनीष के बड़े भैया हैं। तो चौराहे पे बहुत ज़्यादा चौराहे में दौड़ के चल रहा हूँ, जल्दी भैया को फ़ोन कर लेते हैं कि करण भैया कब तक आएंगे। और चौराहे पे बहुत ज़्यादा पहले ही से भीड़ लग गई है सुबह से ही, मतलब ट्रैफिक है क्योंकि आज कार्तिक पूर्णिमा है इसके वजह से। पुल जाता है ऊपर बनारस की ओर, और जस्ट अगर आप कभी पड़ाव पे आते हैं और आपका मन करता है कि 1-2 घंटे मुझे बिताना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक पार्क है जो कि पंडित दीनदयाल जी का है, जो कि मैं एक्सप्लोर कर चुका हूँ। तो अगर आप कभी आते हैं तो यहाँ पे आ सकते हैं, बहुत बड़ा है और बहुत अच्छा है और बहुत कम प्राइस लगता है। करीब 15 रुपये पहले लगते थे, अब मुझे नहीं पता कि कितना लगता है। और ये आराम से सुबह खुल जाता है, अभी तो नहीं खुला मुझे दिख रहा है, पर करीब 8 बजे के आसपास खुल जाता है और शाम के 6 बजे तक रहता है, पर खुल गया है मैं देख रहा हूँ 7 बजे लगता है खुल गया होगा। मैं सुबह कभी नहीं आया हूँ, दोपहर में जब भी आया हूँ, इसकी वजह से मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। मेरे ये जो ऑटो जा रहे हैं वो है मजीद भाई, जो कि मेरे दुलहीपुर में रहते हैं, और बहुत सारे लोग मुझे देख रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा नहीं है कि मुझे ख़राब लग रहा है, मुझे बहुत मोटिवेशन लग रहा है कि मैं वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ और आप लोगों के लिए कंटेंट बना रहा हूँ और आप लोगों को बहुत सारी बातें बता रहा हूँ। तो जल्दी आ जाते भैया, तो हम चलते हैं उनके साथ।
तो फाइनली अभी मेरा मूड किया कि वीडियो को आगे कंटिन्यू किया जाए। अभी सुबह मैं करीब 7 बजे तक यहाँ पहुँच गया था, अराउंड 7 बजे वहाँ से निकला था और यहाँ 7:30 तक पहुँच गया था। मैं हूँ अभी ताज होटल, जो कि ताज गंगा वाराणसी के नाम से जाना जाता है, और उसके पार्किंग में हूँ। आई थिंक मैं सच बताऊँ तो मैं सुपर सीसी में हूँ। कारण क्या है ना कि मैं आया तो जिस वर्ग से वो मैं एक एक्स्ट्रा पर्सन था, क्योंकि यहाँ पे 4-5 गाड़ियाँ लगी हुई थी। मैं बता दूँ यार करने के आया था मैं। मुझे करण भैया ने बुलाया था, यहाँ पे एक इवेंट है, जैसे कि आज पता ही है आप लोगों को देव दीपावली है, तो बहुत सारे टूरिस्ट जो है अलग अलग जगह से, मतलब इंडिया के किसी पार्ट से आते हैं वाराणसी को घूमने के लिए देव दीपावली पर। तो इसी इवेंट में कुछ हमारे जैसे वेंटिलेटर चाहिए होते हैं, वेंटिलेटर कहते हैं उसको, वॉलंटियर कहते हैं, सॉरी वॉलंटियर चाहिए होते हैं, जो क्या होता है कि बस गाड़ी में उनके साथ बैठते हैं और हमारा कुछ प्लान होता है कि इतने बजे ये, इतने बजे ये, तो वो प्लान को हम एग्जीक्यूट करना होता है। तो मैं भी चला आया कि भाई एक्साइटेड वाला काम है, एक्साइटमेंट रहेगा। तो बस मैं कितना गया हूँ पता है, मैं बस पोस्ट तक गया हूँ, ठीक है, मतलब मेन गेट पर जो कि ताज होटल का है, और वहाँ से सभी लोगों को लेकर गया था बस गाड़ी में बैठ कर, क्या कहते हैं उसको, लंच कराने। और उसके अलावा पूरे दिन से मैं बैठा हूँ, दोस्त लोग थे और वहाँ पे एक टूरिस्ट गाड़ी है, मतलब उस समय थी, तो उसमें आराम किया और दिन भर कोई काम नहीं हुआ है, इसलिए मैं सोच रहा था क्या व्लॉग बनाऊँ क्या बताऊँ। पर अभी करीब बज रहे हैं 4 और 4 बजे मुझे पता चला कि सभी लोग अभी निकल गए हैं, वो क्या कहते हैं सबका प्लान था, पर मैं एक एक्स्ट्रा पर्सन हूँ कि अब कोई काम रह जाएगा जो मुझे करना होगा, तो इसके लिए मैं यहाँ बैठा हूँ। हमारा जो काम है एकदम आराम वाला है और इतना ज़्यादा आराम है कि आराम करते करते थक गए। पार्किंग में बैठे हुए हैं अभी, वहाँ बैठे हुए थे गाड़ी में भी, तो इधर टहल रहे हैं पूरे क्या कहते हैं ताज होटल में। आप लोगों को घुमाएंगे नहीं ज़्यादा क्योंकि प्राइवेसी लीक है और मैं अपने मन से बस वीडियोस क्रिएट कर रहा हूँ, कोई परमिशन नहीं लिया हूँ, तो इसलिए मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा लोकेशन ना दिखा के केवल अपने बारे में बताऊँ। और आज के दिन में ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, बस ये है कि ये काम मुझे अच्छा लगा कि अगर टूरिस्ट के साथ जाना होता इधर उधर तो पूरा दिन मैं घूमता रहता। जैसे कि अभी भैया गए थे एयरपोर्ट, गए थे किसी को लेने और किसी को छोड़ने, और बहुत सारे लोग अभी गए थे क्या कहते हैं दर्शन करने, संकट मोचन लेके गए थे टूरिस्ट को, और कुछ लोग गए थे दूसरा बगल में होटल, एक क्लर्क होटल, तो उसमें भी कुछ लोग गए थे, तो उधर भी हैं अपने फ्रेंड्स लोग जो सुबह मैं मिला। यहाँ पर मनीष भी आया हुआ है, मेरा पुराना मित्र, तो बहुत मुझे मज़ा आ रहा है। और सोचा कि अपने दोस्तों को भी मैंने बताया कि अगर ऐसा काम आएगा तो मैं करूँगा। आज देखो बस थोड़ा दिन ख़राब हो गया, दिन ख़राब इन द सेंस कि मैं ज़्यादा जगह ट्रैवल कर नहीं पाया, और देव दीपावली की वीडियो हो सकेगी तो रात में मैं जाऊँगा, क्योंकि ज़्यादा थका नहीं हूँ, थका इन द सेंस केवल बैठे बैठे थक गया हूँ, तो इसलिए मैं शाम में निकलूँगा रात में देव दीपावली घूमने, और कोशिश करेंगे उसका एक अलग से व्लॉग बनाएंगे जो कि आपको नहीं जे मिलेगा। ये वीडियो तो आप आज ही देख रहे हो, तो आज से तो आप नहीं समझ पाओगे, क्योंकि आप कब देख रहे हो ये तो आप जानते होगे ना। मैं बना रहा हूँ ये वीडियो 7 नवंबर को, और अभी मैं ताज होटल में हूँ। यहाँ पे ज़्यादा दिन का काम नहीं है, शायद 1 या 2 दिन का है, कन्फर्म भी नहीं है। तो आज मेरा सडनली कॉल आया था जिसकी वजह से मैं आ गया, और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अनदर वीडियो में, क्योंकि अब मेरा मूड कर रहा है कि व्लॉग अभी नहीं करने का, अब हम फ्रेश व्रेश होकर शायद चेंज कर लें ये कोट वोट, क्योंकि ये मेरा कोट भी नहीं है, दोस्त का कोट है और यहाँ पे पहन के ही रहना था, तो इसके लिए मैं रेडी होकर चला आया। और कहीं मैं घूमने जाता हूँ, मतलब शाम को जाऊँगा देव दीपावली के लिए, वो वीडियो मैं क्रिएट करूँगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अदर वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और मैं पूरा अपना लुक दिखा देता हूँ मैं कैसा दिख रहा हूँ इस समय, तो यहाँ नीचे ज़मीन में रख देते हैं फ़ोन को ये इस तरीके। अरे यार ये पौधा आ जा रहा है, नहीं ज़मीन पर रखने से अच्छा है कि हम पार्किंग में है तो बाइक पर रख देते हैं। और वाह भाई साहब, दूर जाएंगे तो मेरा लुक दिखेगा क्या? लुक कैसे दिखा सकते हैं हम ऐसे, ब्लैक पैंट वाइट शर्ट, कोशिश करेंगे कि अच्छी जगह फ़ोन रख दें जिससे कि पूरा लुक आ सके। ये फिर भी किसी एंगल से मेरा पूरा लुक नहीं आ रहा है, जो कि हम नहीं दिखा पा रहे हैं आप लोगों को। कोशिश करें, एक और एंगल मुझे मिल रहा है पेड़ के पास, यहाँ पर रख देंगे तो कैमरा डिस्टर्ब हो जाएगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। और मेरा कोई दोस्त भी नहीं है अभी यहाँ पर जिसको मैं फ़ोटो क्लिक कराऊँ। हाँ पर ठीक ठाक ही लग रहे हैं, ऐसे नहीं आपको बस ऐसे ही दिखा देते हैं। और ये पैंट और शूज़, तो मिलते हैं किसी अनदर वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। 3 बार ये बोल चुके हैं और वीडियो नहीं बंद किया है, तो अब बंद कर देते हैं। अच्छा तेरे को कुटला का बगल नहीं, तो फिर इतना जोर से काय कुछ ला रहा है? स्टाइल है बाबू भैया, राजू का स्टाइल।
ये बाबूराव का स्टाइल है।